वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरमुखो अज आपां श्री गुरु नानक देव जी दे सिद्धकी सिख सम्मन मूसन दी कथा सांझी करन लगे हाँ। संसार विच सेवा ते प्रेम दियां अनेकां साखियां हन। कईयां भगतां ने सेवा बदले हर अपनी प्यारी ते कीमती चीज वेच दित्ती। भगती दियां संसार विच सैकड़े साखियां हन। इन्हां दा बयान करन लग्यां सैकड़े ग्रंथ तैयार हुंदे हन। श्री गुरु अर्जन देव जी दे समय सम्मन मूसन प्यो पुत्र सन। सम्मन बाप मूसन पुत्र लाहौर विच रहिंदे ते मेहनत मजदूरी करके घर दा झट लंघाउंदे सन। दोवें प्यो पुत गुरु घर दे बहुत श्रद्धालु सिख सन। जदों किते पता लगदा कि गुरु जी आए हन तां ओह पहुँच के सत्संग करन वास्ते जांदे। एक बार श्री गुरु अर्जन देव जी लाहौर गए हुए सन। संगतां हुम हुमा के रोज़ दर्शन करन वास्ते आया करदियां सन। कई प्रेमी जिन्हां नूं वाहेगुरु ने बहुता धन दिता सी गुरु जी दे संगत नूं वरज के रोटी खवाउंदे सन। उन्हां वल वेख के परमी सिख सम्मन ते मूसन नूं हिरदे विच चाह आया कि ओह वी गुरु जी ते संगतां नूं प्रशादा छका के जीवन ते कमाई नूं सफल करन। पर कोल कुछ नहीं सी। जो कमाई करदे सन ओह रोज दी रोज खर्च हो जांदी सी। दोवें एकांत विच बैठ के सोचते रहे। बहुता चिर सोचन पिछों उन्हां नूं एक ढंग सुझिया। ओह इह कि उन्हां दे कुआंड हलवाई जगत राम सी। जगत राम हलवाई नूं आखन लगे, भाई जी जे तुसीं सानूं 50 सिखां वास्ते पक्का भोजन मठियाई पूड़ियां आदि बना दिओ ते जो खर्च आवे ओह असीं तुहानूं हौली हौली कमा के ब्याज समेत दे देवांगे। साडी शरदा है इह पूरी हो जावे तां मदद करो। प्यो पुत्रां दी प्रार्थना सुन के हलवाई जगत राम ने हां कर दित्ती। उस दी हां उत्ते सम्मन ते मूसन गुरु जी दी हजूरी विच पुज्जे ते गुरु जी नूं प्रशादा छकन वास्ते बेनती कीती। दिन मिथ्या गया। अंतरयामी दाते सब कुछ जानदे सन। उन्हां कहा, जा सिखा तेरी शरदा पूरी हो जावेगी। एह सुन के दोवें प्यो पुत्र खुशी खुशी घर आ गए। जगत राम दे कोल बैठ के समान तैयार करवाउण लगे। संसार विच गुरु निंदकां ते मनमतियां दा भी घाटा नहीं सी। ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਬਲ ਵਾਲੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਗਤ ਰਾਮ ਤੇ ਸੰਮਨ ਮੂਸਨ ਦਾ ਗੁਆਂਢੀ ਇੱਕ ਸੇਠ ਸੀ ਜੋ ਮਨ ਦਾ ਭੈੜਾ ਤੇ ਕੰਜੂਸ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਸੰਮਨ ਮੂਸਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਈਰਖਾ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜੇ ਗਰੀਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਨਿੰਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜਗਤ ਰਾਮ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਜਗਤੇ ਇਹ ਕੀ ਲੋੜਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਮਨ ਮੂਸਰ ਕਈਆਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਤੇ ਨੰਗੇ ਹਨ। ਦਿਨੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਹੀ ਲੇਟੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕੰਗਾਲਾਂ ਕੋਲੋਂ 100-125 ਦੀ ਰਕਮ ਕਿਵੇਂ ਵਸੂਲ ਕਰ ਲਵੇਂਗਾ? ਕੁਝ ਸੋਚ ਤੇ ਅਕਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈ। ਮਠਿਆਈ ਕੱਢਣੀ ਬੰਦ ਕਰ। ਮੂਰਖ ਪੁਣਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? 5-7 ਛਿੱਲੜ ਵਿਆਜ ਦੇ ਲਾਲਚ ਬਦਲੇ ਭਾਰੀ ਰਕਮ ਗਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇ। ਜਗਤ ਰਾਮ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸੋਚੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਵੀ ਮਨ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸੰਮਨ ਮੂਸਨ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ। ਮਠਿਆਈ ਕੱਢਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੰਮਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਗਤ ਰਾਮ ਨੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਈ ਮੈਥੋਂ ਇਹ ਖਰਚ ਦੀ ਭਾਰੀ ਪੰਡ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਵੋ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ 200 ਰੁਪਇਆ ਨਕਦ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਓ। ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਜੇ। ਸੰਮਨ ਘਰ ਗਿਆ, ਮੂਸਨ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ। ਦੋਵੇਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਘਬਰਾ ਗਏ। ਉਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ।
गुरु जी ते संगत वालों झूठे होने नालों मरना योग है। गुरु जी कोलों बेमुख होवांगे, बदनामी होवेगी, संगत भुखी रहेगी। जगत राम ने धोखा दिता। अच्छा, वाहे गुरु दे रंग। गुरु जी ने साड़ी पत रखनी है तां जरूर अपना कारज करेगा। मूसन ने समन नूं आख्या, पिता जी अपना गुआंडी शाहूकार है, इस दे घर सन ला के रुपए कढ लईए। एह पाप नहीं ते ना चोरी है, क्योंकि आपां लालच बदले तां करना नहीं। गुरु जी ते साध संगत नूं शका देना है। समन दी भावें एह करम करन दी सलाह नहीं सी, पर फिर भी उसनूं पुत्तर दे अखे लगना पिया, क्योंकि अगले दिन प्रशादा छकाउणा सी। रात हो गई, सारा शहर सौ गया, पर समन ते मूसन नूं नींद नहीं सी आउंदी। ओह चिंतावान सन। रात दे 10 बजे दा वेला होवेगा कि दोवें पाड़ पाण वास्ते घरों निकले, हथियार लए ते शाहूकार दे कोठे चढ़ गए। कोठे दी छत पाड़ सुट्टी, छोटा जिहा मुग करके मूसन हेठां उतर गया। शाहूकार दी कोठी विच्चों 500 रुपया कढ़िया। ओह रुपया समन नूं उपर फड़ा दिता। संगत दे प्रशादे वास्ते उतना रुपया काफी सी। होर रुपया ना चुकिया ते उसे मुग राही उपर चढ़न लगा। उत्तर तां गया सी, पर मुग राही चढ़ना औखा सी। उस कोलों चढ़िया ना जावे, सिर उपर आ गया ते तड़ हेठा। समन उपर खिचदा, पर थले कोई चीज ना होन करके उपर जोर नहीं सी भरदा। इउं घोलदिया नूं दिन चढ़न वाला होया, कुक्कड़ ने बांग दे दित्ती। मूसन ने आख्या, बापू जी मेरा सिर वड लवो, तड़ नूं कोई पछाणेगा नहीं, जे फड़े गए तां बदनामी होवेगी। नाल ही लोक गुरु जी नूं माड़ा चंगा बोलणगे, इस वास्ते मेरा मरना चंगा है। जे गुरु जी दी एहो इच्छा है तां हुक्म मनना योग है। समन ने एह सलाह सुन तां लई, पर संसार विच इकलौते बेटे दा सिर कौन कटे। एह करम तां वली औलिये भी नहीं कर सकदे, सधारण आदमी दा की है। पर वाहे गुरु ते धन गुरु जी दे सिख। गुरु ते साध संगत नूं प्रसन्न करन वास्ते जीवन दी बाजी ला दित्ती। बाप ने किरपान नाल पुत्तर दा सिर वड दित्ता। तड़ हेठां डिग पिया, अखों अथरू नहीं डिगे। घर गया पुत्तर दे सिर नूं कपड़े विच वलेट के रख दिता। हथ मूँह धो के तड़के ही जगत राम हलवाई वल गया ते उसनूं 200 रुपया दे के आख्या, मठियाई कढ़, छेती कर, सवेर दा प्रशादा छकाउणा है। जिस नूं पैसे मिल गए ओह भला कम क्यों ना करे। उसने बहुते आदमी ला के रोटी वेले नूं प्रशादा तैयार कर दिता। दूसरे पासे शाहूकार सवेरे उठ्या, घर दा बूहा खोलिया तां अंदर लोथ पई देख के कंब गया। उसनूं चोरी ते कोठे दा पाड़ तां भुल गया, पर फिकर पै गया लोथ दा। ओह नठा नठा समन वल गया, उस अगे हथ जोड़ के तरला करन लगा। भाई समन 200 रुपया लै लै ते मेरे घर किसे दी लोथ पई है। उसनूं चुक के बाहर सुट्टा, किसे नूं दसी ना, मेरियां पिछलियां भुल्लां बख्श, मेरे ते दया कर, किसे नूं पता ना लगे। एह सुन के समन नूं खुशी होई। उसने शाहूकार कोलों 200 रुपया लै गया ते मूसन दी लोथ चुक के घर लै आया। घर लिया के अगले अंदर रख दित्ती। धौन नाल सिर जोड़ के उपर चिट्टी चादर पा दित्ती। आप प्रशाद छकाउण दा आहर पाहर करन लगा। संगत आउण दा वेला हो गया। गुरु जी ते संगत नूं सदन वास्ते गया। अकाल पुरख दी उस्तत दा कीर्तन करदी हुई संगत संबंध दे ग्रह पुजी। सब दे हथ धोए गए, पंगतां लग गईयां।
सिख सेवकां ने आप ही प्रशादा वरतौना शुरू कर दिता। जद सारी संगत नू प्रशादा परोसिया गया तां चोजी ते अंतर्यामी गुरु पंचम पातशाह जी ने मेहर विच आके समन नू पुछया, मूसन किथे है? उस नू सदो, संगता नू प्रशादा शकवा के जल वरतावे। तां समन ने कहा, आप प्रशादा शकिए, ओह दूर काम गया है। सिखा, आवाज मार आ जावेगा, छेती कर। सच्चे पातशाह जिथे ओ गया है उथे मेरी आवाज नहीं पुज सकती। मैं ता थका टुटा ज्योड़ा हाँ, आप कृपा करो ता शायद ओह आ जावे। मेरे दाते मेहरा दे साईं, अंतर्यामी कट कट दे जानन हार। जे मैं निमानड़ा सिख कुछ चीज नहीं, राहां दे कखा नालों भी हौला। एक इच्छा सी ओह पूरी हो गई, हुण तां जीवन दी इच्छा भी मुक गई है। अकाल पुरख दा ध्यान धर, कहो वाहे गुरु। इन्ना आख के श्री गुरु अर्जन देव जी ने मूसन नूं आवाज दित्ती, मूसन बाहर आ, संगतां घर आईयां हन, तूं चिट्टी चादर तान के सौ रहा है, एह योग नहीं, आ सिखा छेतिया। गुरु जी दे इस बचना दे दो मिंट पिछों धन गुरु करदा होया मूसन अंदरों बाहर आ गया। गुरु जी दे चरना उत्ते मत्था टेकिया ते जल वरतौन लगा। प्रशादा छकन पिछों गुरु जी ने समन दी शरदा, उसदा सिदक प्यार ते कुर्बानी दी वार्ता सारे सिखां नूं सुनाई। तां सारे सिख आखन लगे, धन गुरु सिख समन मूसन। गैबी आवाज आई, आप गवाईया तां सोह पाईया। गुरु जी ने फरमाया, समन जाओ इस प्रेम की दमक्या होती साठ, रावण होते सो रंक नह जिन सिर दीने काट। गुरु ते संगत नाल प्यार होवे ते ऐसा ही होवे। गुरु जी ने मेहर कीती तां समन मूसन प्रताप वाले हो गए। तन आया पर हंकार नहीं कीता, साध संगत ते गुरु घर दी सेवा नहीं छड़ी। अंत प्यो पुत परलोक नूं गए ते मुक्त हो गए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।